हेलो एवरीवन, दिस इज शशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर आई शेयर सो मेनी सिंपल एंड ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल कंटेंट्स टू मेक अ हाउस इनटू होम। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय फुल डे रूटीन, हाउ आई मैनेज एवरीथिंग विदाउट एनी हेल्प एंड स्ट्रेस फ्री। इफ यू लाइक इट, कीप वॉचिंग एंड डू कंसिडर टू सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठी हूँ। वीकेंड में हमारी जो मॉर्निंग है ना, थोड़ी लेट ही स्टार्ट होती है, और वीकडेज में तो सबका ऑफिस रहता है, स्कूल रहता है, तो जल्दी हम उठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज एकदम सिंपल सा पोहा। मैं बहुत ज़्यादा फैंसी ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ। मुझे लगता है पोहा ना सबसे इजीएस्ट ब्रेकफास्ट है, सबसे जल्दी बन जाता है और फुलफिलिंग भी रहता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस भी रहता है। और चाहो तो आप इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल्स वगैरह भी डालकर बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अनियन और पटेटो ही यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैं टमेटो भी इसमें डालूँगी, और टेम्परिंग के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी जीरा, राई, हरी मिर्च, करी पत्ता और पीनट्स। और मसाले में मैं सिर्फ इसमें हल्दी ही यूज़ करूँगी। कई लोग इसमें अमचूर या अलग अलग मसाले भी डालते हैं, बट मैं एकदम सिंपल सा ही इसको बनाती हूँ, और सिंपल ही मेरे घर में इसको पसंद किया जाता है। और मेरे बेटे का तो ये वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट है, और अच्छी बात भी है कि जल्दी बन जाता है और पसंद भी आता है। पोहा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई को गरम किया, उसमें ऑयल डाला। ऑयल जैसे ही गरम हो गया, उसमें मैंने सारे टेम्परिंग ऐड किए जो मैंने मेंशन किया है। वो थोड़ी देर स्प्लिटर हो गए, फिर उसमें मैंने पीनट ऐड किया, पीनट को थोड़ी देर तक फ्राई किया। उसके बाद उसमें अनियन, हरी मिर्च, करी पत्ता, जो जो आपको डालना है वो आप डाल दो। थोड़ी देर के लिए इसको फिर से आप भून लो। उसके बाद मैं इसमें पटेटो ऐड करूँगी, और पटेटो ऐड करते ही मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी ताकि सॉफ्ट हो जाए और जो अनियन है वो अच्छे से कैरामलाइज्ड हो जाए। तो बस सारी चीज़ों को भूनेंगे हम अच्छे से, पटेटो अच्छे से पक जाए तब तक। मैंने थोड़ी देर इसको ढककर पकाया है। ढककर पकाने से क्या है, जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वही मैं चेक कर रही थी कि पटेटो अच्छे से पक गया है कि नहीं, तो थोड़ा सा उसमें कसर बाकी था, वो हम टमेटो डालेंगे, उसके बाद वो पक जाएगा अच्छे से। तो अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, और इसके अलावा मैं कोई भी सभी इसमें मसाले ऐड नहीं करूँगी। हल्दी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करी, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा और मैं इसको छोड़ दी थी पकने के लिए। अब इसमें मैं डालूंगी टमेटो, और टमेटो को हमें एकदम नहीं गलाना है, थोड़ा सा अगर उसमें कसर बाकी भी रह गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। टमेटो डालने के बाद मैंने थोड़ा सा और ढककर उसको पकाया है, तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं टमेटो एकदम मशीन ही हुआ है, थोड़ा सा उसमें कसर बाकी है, तो ऐसे ही ना ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट सॉफ्ट होना चाहिए, तो सॉफ्ट हो गया था। अब मैं इसमें पोहा ऐड कर दूंगी, और पोहा ऐड करने के बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि पोहे में सारे मसाले जो है ना अच्छे से मिल जाए। और मिक्स करने के बाद इसको हमें एकदम हल्की आँच पर ढककर पकाना है,
ताकि स्टीम से ना पोहा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं मिला लूँगी और हल्की आँच में इसको ढककर छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट तक। गैस का फ्लेम जो है उसको बंद कर दूंगी और बंद करके इसको ढककर छोड़ दूंगी ताकि सॉफ्ट बना रहे, और उसके बाद इसको गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। तो आप इसमें भुजिया या सेव जो भी आप पसंद करते हैं इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैं आजकल नहीं ऐड करती हूँ। उसके जगह मैं स्प्राउट्स या फिर कुछ भी प्रोटीन्स के सोर्स होते हैं ना वो मैं ऐड करूँ। इसमें हमने पीनट्स ऑलरेडी डाला हुआ है, आप इसमें ग्रीन पीस भी ऐड कर सकते हो, स्प्राउट्स ऐड कर सकते हो ऊपर से, और काफ़ी इससे और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाता है आपका पोहा। और साथ में मैं यहाँ पर पोमेग्रेनेट के साथ इसको सर्व करूँगी, काफ़ी टेस्टी लगता है। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम को मैं सबसे पहले टाइडी अप करूँगी, क्लीन करूँगी, क्योंकि वीकेंड में सो के उठते ही मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ, मतलब मॉर्निंग में ही क्लीन नहीं हो पाता है, और वीकडेज़ में हो जाता है, स्कूल ऑफिस जाने के बाद सारा काम मैं तुरंत के तुरंत ही कर देती हूँ, बट वीकेंड में थोड़ा सा लेट ही होता है। बट जैसे ही इसको क्लीन करो ना ऐसा लगता है सारा घर ही क्लीन हो गया। तो सबसे पहले मैं बेडरूम को क्लीन करती हूँ, उसके बाद घर के बाकी जो जगह है उसको मैं क्लीन करती हूँ। एंड यहाँ पर कुछ कपड़े जो हैं जो मुझे हैंड वॉश करने थे वो भी मैं सेग्रीगेट कर लूँगी। ध्रुव के कुछ एथनिक क्लोथ्स थे जो वो स्कूल पहन कर गया था और उसको मैं अभी वॉश नहीं की थी, क्योंकि होता क्या है ना कि जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं उसको और जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं उसको अगर मिक्स करो तो बहुत हाईली चांसेस होते हैं कि जो कलर है एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, और फैब्रिक का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, सभी फैब्रिक को हम एक साथ नहीं वॉश कर सकते। तो इस तरीके के जो कपड़े हैं ना उसको मैं प्रेफर करती हूँ हैंड वॉश ही कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा ये गंदे होते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ये मतलब हैवी भी नहीं होते हैं, तो हैंड वॉश करना इज़ वेरी ईजी। यस, अभी दिवाली आने वाली है, आप लोग की दिवाली की सफाई स्टार्ट हुई कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करके मैं स्टार्ट कर दी हूँ कि क्या क्या मुझे डिक्लटर करना है, कौन कौन सी चीज़ों को मुझे डोनेट करना है, कौन कौन सी चीज़ों को मुझे बाहर थ्रो करने के लिए निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं सेग्रीगेट कर दी हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना जो हमारे ध्यान में ही नहीं रहते और काफ़ी टाइम से वो पड़े हुए होते हैं, तो वही सारी चीज़ें जो मुझे ध्यान आते जाता है ना मैं चेक कर लेती हूँ ड्रॉअर में, बॉक्सेस में। तो होता क्या है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें फेंकना रहता है और कब से वो जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाइड करके पड़े हुए होते हैं, तो वही सारा चीज़ मैं चेक कर रही थी, जो जो मुझे रखना है उसको मैं अलग कर रही थी और जो जो चीज़ मुझे फेंकना है वो मैं अलग करके रख रही थी। तो इसी तरीके से मैं पूरे साल भर करते रहती हूँ क्या क्या चीज़ रखना है, क्या क्या चीज़ ख़राब हो गया है, या कई बार तो हमारे खाली बॉक्सेस या फिर ट्यूब्स का पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसे पड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप बीच बीच में चेक करते रहो ना थ्रू आउट द ईयर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेग्रीगेट नहीं करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता।
तो देखिए सबका काम करने का तरीका ना डिफरेंट होता है। कई लोग वीकेंड में प्लान करते हैं क्या क्या उनका जो हैवी काम है वो करना है, डीप क्लीनिंग करनी है, काफ़ी सारा कुछ करना होता है। बट मेरा जो फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं फ्राइडे को ही अच्छे से घर को क्लीन कर देती हूँ और वीकेंड में मैं ज़्यादा कुछ क्लीन नहीं करती हूँ। और थोड़ा बहुत मैं प्लांट्स का केयर जो है वो वीकेंड में मैं कर लेती हूँ, जैसे कि चेक कर लेती हूँ क्या क्या प्लांट जो है उसको वाटरिंग करना है, वॉश करना है, या फिर उनको फर्टिलाइज वगैरह जो देना है वो सारा कुछ मैं वीकेंड में करती हूँ। और बहुत सारा जो स्ट्रेस वाला काम है ना वो वीकेंड में मैं नहीं करती हूँ। और मैं ना क्लीनिंग का जो मेरा प्रोसेस है वो सारा टाइम चलते ही रहता है। सपोज़ आप किचन में कुकिंग कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको करने को दिख जाएंगी, लाइक आपको जो कंटेनर है उसको वाइप करने हैं और क्या क्या चीज़ है जिसको आपको वॉश करने हैं। तो कुकिंग करते करते ही आप किचन में ही रहते ये छोटे छोटे जो काम है ना उसको कर सकते हो। इससे क्या है, डीप क्लीन का जो टाइम है वो तो बच ही जाता है, और जो एक साथ इकट्ठे बहुत सारे जो काम होते हैं ना और जो उसको देख के स्ट्रेस होता है उससे आप डेफिनेटली बच जाओगे, जो कि मैं पहले नहीं करती थी बट अब मैं ऐसा ही करती हूँ। इवन दिवाली में भी अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि कैबिनेट्स हैं, जार्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो मैं बीच बीच में धोती ही रहती हूँ, वाइप करती ही रहती हूँ, तो सच ऐसा कुछ गंदा नहीं हुआ है। तो इससे क्या है, आपका थोड़ा सा स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और आपके सेल्फ केयर के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। सपोज़ आपको अभी फेस्टिवल आ रहा है उसमें आपको अपने लिए टाइम मिल जाएगा, ग्रूमिंग के लिए, शॉपिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना छोटी छोटी लगती हैं बट काफ़ी सारे जो आपके टाइम है उसको सेव करती है और काफ़ी इफेक्टिव होती है। सो डू ट्राई इट एंड लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। मुझे इंडोर प्लांट्स काफ़ी पसंद है, और जो मेरे पास प्लांट्स आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा फैंसी प्लांट्स नहीं होते हैं, एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करते हैं आपके घर में, आपके घर के अंदर के एयर को प्योरीफाई करते हैं। और लो मेंटेनेंस है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मेंटेन ही करना भूल जाएँ, आपको उसका सॉइल है उसको प्रॉपर चेक करते रहना है, उसका वाटरिंग का टाइम आपको याद रखना है, कब कब उसको फर्टिलाइज करना है वो भी आपको याद रखना है। तो मैं सारी चीज़ों को ना ऐसे चेक करते रहती हूँ, कौन सा मेरा जो प्लांट्स का जो सॉइल है वो ड्राई हो चुका है, किसको मुझे वाटर देना है, किसको मुझे फर्टिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें मैं चेक कर लेती हूँ। तो इससे क्या है, प्लांट्स की जो कंडीशन है वो भी अच्छी रहती है, और लो मेंटेनेंस तो होता ही है बट जो आप हेल्दी देखोगे ना प्लांट्स को, जो आपको सुकून मिलेगा वो डिफरेंट लेवल का होगा। अगर आप प्लांट्स लवर हो तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो छोटा छोटा ही स्टेप से ही, लेकिन वो सारे स्टेप आप लो और कोई मुश्किल काम नहीं है आपको प्लांट को मेंटेन करना।
जो आपके पास रबर प्लांट्स हैं, मॉन्स्टेरा है, जिसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं ना, उसको आप डेफिनेटली वाइप कीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो डस्ट है ना वो जमा हो जाते हैं, जो उसके ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आप उसको वाइप करते रहोगे ना तो वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं और उसकी जो पत्तियाँ हैं ना काफ़ी हेल्दी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो क्लीनिंग का सोल्यूशन बनाती हूँ ना, तो हाफ़ वाटर हाफ विनेगर वाला, जो उसी से ही मैं जो अपने डेली के जो काम है क्लीनिंग है वो मैं करती हूँ, तो उसी को आपको स्प्रे करना है उन पत्तियों में, या फिर आप कोई भी माइक्रोफाइबर क्लीन क्लोथ ले लीजिए, उसमें स्प्रे कीजिए और उसको अच्छे से पत्तियों को वाइप कर दीजिए, तो पत्ते भी काफ़ी अच्छे हेल्दी होते हैं और ग्रोथ भी इसकी अच्छी होती है। तो मॉर्निंग का काम करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया था, मैं काम करने के बाद शावर भी ले ली और शावर लेने के बाद मैं लंच प्रिपेयर की और लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की, मतलब थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और लंच भी मैं एकदम सिंपल ही बनाई थी, ऐसा सच कुछ स्पेशल नहीं था, तो मैं यहाँ पर उसको कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं की। अब ये है इवनिंग का, तो लेफ्ट ओवर थोड़ा सा फूड बचा ही हुआ है लंच का, तो वो है, तो ज़्यादा कुछ असच कुकिंग नहीं करनी है शाम को डिनर के लिए, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ टमेटो सूप, क्योंकि यहाँ पर ना वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और कोल्ड कप की प्रॉब्लम इस टाइम में हो ही जाती है, तो थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब लग रहा था और घर में ध्रुव का इनका भी थोड़ा सा गला ख़राब लग रहा था, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टमेटो सूप बना रही हूँ, और उसी के लिए पास्ता भी मैंने बॉयल करने के लिए पानी रख दिया है। तो पास्ता को बॉईल करते करते मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक टी भी बना ली थी, उसमें मैं बस शुगर डाली हूँ और सारे जो स्पाइसेस हैं लाइक ब्लैक पेपर, जिंजर और कार्डमम, यही डाली हूँ, थोड़ा सा चाय पत्ती, अच्छे से उबाल लेना है और आपका ब्लैक टी बनकर रेडी हो जाएगा, और काफ़ी सूदिंग होता है ये, गले के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और ये इस मौसम में जो ठंडी का मौसम होता है, स्पेशली वेदर चेंज होते रहता है ना, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो बस वो मैं बन रहा है तब तक यहाँ पर सब्जियाँ काट लूँगी, मीन्स टमेटो को कट कर लूँगी, तो टमेटो को आपको रफली चॉप करना है, जिंजर गार्लिक को आपको रफली चॉप करना है, और आपके पास बीट रूट है, गाजर है, वो भी आप ऐड कर सकते हो, बट मैं आज नहीं कर रही हूँ, बट मैं हमेशा बीट रूट और गाजर इसमें ऐड ही करती हूँ। Thank you.
मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया है, तब तक चाय भी अच्छे से उबल गया है और पास्ता भी ऑलमोस्ट पक गया है, और साथ के साथ जो जो भी आपके पास जो ट्रैश निकल रहे हैं सब्जियों के, जो छिलके वगैरह हैं, उसको आप साथ के साथ ही क्लीन कर दो ताकि किचन क्लटर ना लगे और क्लीन करने में भी आसानी हो। तो चाय को छान लूँगी और पास्ता भी उबल गया है, उसको भी मैं स्ट्रेन करके अच्छे से वॉश करके साइड में रख दूँगी और हम यहाँ पर करेंगे सूप के लिए तड़के की तैयारी। किचन में आपको बहुत सारे बर्तन नहीं धोने हैं ना, तो आप वही बर्तन को वॉश करके यूज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्तन यूज़ करने लग गए एक ही बार में, तो काफ़ी सारे जो बर्तन हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और मेरे किचन तो ऐसे ही छोटा सा है, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। बनाने के लिए मैंने पैन को गरम किया, पैन के गरम होते ही मैंने यहाँ पर ऑयल को डाला, आप बटर भी ऐड कर सकते हो। जब अच्छे से गरम हो गया तब मैं इसमें ब्लैक पेपर, बे लीफ, सिनेमन स्टिक्स, ये सारी चीज़ों को डाला, जिंजर गार्लिक, और सारी चीज़ों को मैंने आज एक साथ ही डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसमें बेजिल लीव्स और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और जो सॉल्ट है वो मैंने ऐड किया है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से भूनना है, अच्छे से सॉफ्ट होना देना है। जब सॉफ्ट हो जाए तब इसमें आपको एकदम गरम पानी ऐड करना है, इससे क्या है ना इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर मैं पानी अच्छे से गरम कर ली थी और उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूँगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना थिक और कितना थिन चाहिए। इसमें मैंने कोई कॉर्न फ्लोर स्लरी या फिर किसी टाइप का क्रीम या फिर मिल्क का यूज़ नहीं किया है, एकदम सिंपल सा ही सूप बना रही हूँ इसमें मैं। और मैं सूप ना ज़्यादा क्रीम वगैरह के साथ या कोई भी स्लरी के साथ मैं नहीं बनाती हूँ, नेचुरल जितना इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करो वो ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। वंस इन अ वाइल चलता है, बट आप जितना उसको सिंपल रख सकते हो उतना ही सिंपल कंज्यूम करो। तो बस मैंने सिंपल ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। जब अच्छे से उबल गया था तो मैं इसको 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ दी थी। तो अगर आप इसको ब्लेंड कर रहे हो ना मिक्सी में, तो आप इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, और सूप को मैं दोबारा इसको हीट भी नहीं करूँगी क्योंकि इसको ज़्यादा मैंने ठंडा नहीं किया। तो हैंड ब्लेंडर में मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। जितने भी आपको मसाले हैं लाइक सिनेमन स्टिक और जो बे लीफ है उसको आपको अलग करना है, ब्लैक पेपर को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी में ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म सूप बनकर रेडी है। आप इसमें ब्रेड क्रूटॉन्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है तो, मेरे पास नहीं है और मैं अवॉइड ही करती हूँ। और यहाँ पर मैं पास्ता बॉईल की हूँ, उसके साथ इसको मैं सर्व करूँगी। काफ़ी टेस्टी लगता है। अगर आपके पास मैकरोनी है तो वो भी, किसी टाइप का भी पास्ता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसको सिंपल भी पी सकते हो। कोई ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि इसके साथ कुछ चाहिए ही, बट हाँ इसको ऐड करो ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं हमेशा ऐड नहीं करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इवनिंग का जो दिया बत्ती होता है वो कर ली। उसके बाद मैं जो कपड़े वॉश करने के लिए डाली थी वो भी अच्छे से धुल गए थे, उसको भी मैं ड्राई करने के लिए रख दूंगी। अगर आप एक होम मेकर हो ना तो आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपके पास काम पूरा ख़त्म भी हो गया है ना, फिर भी आप कहीं ना कहीं से काम ढूंढ कर निकाल ही लोगे, तो पूरा दिन कैसे बीतता है कुछ भी पता नहीं चलता है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी होती है। लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा एडवांस में चीज़ों को नोट डाउन करके रखना, प्लान करके रखना, ये सारी चीज़ें करने से ना स्ट्रेस काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और आप अपना जो टाइम है उसको सही तरीके से यूज़ कर पाते हो और आपका दिन भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो बस डिनर करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सामान आया था वो ला लिए थे, और उसके बाद मैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से वाइप कर लूँगी क्योंकि मैं अपना जो डाइनिंग टेबल है उसको क्लीन ही रखना चाहती हूँ। हालांकि हम इसमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, ये ऐसे ही रहता है, बट इसको मैं क्लीन रखने की ही कोशिश करती हूँ। अगर आप इसको क्लीन नहीं रखोगे ना तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें इकट्ठा होते जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ते जाता है। तो मैं तो कोशिश ही करती हूँ कि इसको क्लीन ही रखूँ। उसके बाद जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आया था वो मैं इसको वो अच्छे से जमा कर रख दूँगी, और मैं एडवांस में इसको वॉश करके नहीं रख रही हूँ। जब मुझे खाना रहता है या फिर लंच बॉक्स में देना रहता है तो मैं 15-20 मिनट पहले इसको विनेगर वाटर में अच्छे से सोक करके रख देती हूँ, जिसमें इसके पेस्टिसाइड्स है वो रिमूव हो जाते हैं। अच्छे से सादे पानी से वॉश करके वाइप कर लेती हूँ बस। तो बस यहाँ पर आया था एप्पल, ऑरेंज, बनाना, एवोकाडो और थे अनार। तो अनार का साइज़ ज़रा चेक कीजिए आप, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे अनार मिलते हैं और काफ़ी जूसी और स्वीट होते हैं। तो 12 महीने ना यहाँ पे अनार नहीं मिलते हैं, ये सीज़न में ही मिलता है। अभी कुछ टाइम तक ही मिलेगा, उसके बाद इसका सीज़न चला जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा। उसके बाद कीवी और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसके सीज़न आ जाएंगे, और अभी तो फॉल है तो अच्छे क्वालिटी के एप्पल्स भी इस टाइम में मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रखने के बाद मैं यहाँ पर बर्तन जो थे वो मैं वॉश कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, छोटे छोटे ही बर्तन थे, और क्योंकि मैंने ज़्यादा कुकिंग किया ही नहीं है तो वो मैं वॉश कर लूँगी।
और ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, और उसके बाद मैं सारे किचन को अच्छे से वाइप करके ही सोती हूँ। मतलब किचन को ना मैं सारा क्लीन करके ही सोती हूँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठो तो जो काम है आपके, कुकिंग करना है नेक्स्ट मॉर्निंग में लंच बॉक्स के लिए, वो काफ़ी अच्छे से आप टाइमली फिनिश कर पाओ और आपका जो काम है वो प्रोडक्टिविटी के साथ कंप्लीट हो। सो फ्रेंड्स, आप अपने डे को कैसे प्लान करते हो, कैसे आपका जो टाइम है उसको एफिशिएंटली आप यूज़ करते हो, आप मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो काफ़ी सारी आइडियाज़ जो है वो कंज्यूम करते हैं और एक दूसरे से ना कनेक्ट करने का, सीखने का मौका मिलता है। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने टाइम को कैसे प्लान करते हो, अपने दिन को कैसे यूज़ करते हो, क्या आप भी एडवांस में प्लान करना प्रिफर करते हो या फिर आप तुरंत की तुरंत ही उस चीज़ों को करना प्रिफर करते हो। तो ये सब काम करने के बाद मेरा किचन क्लोज हो चुका है और जो अभी काम करना है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। प्रीवियस डे के जो कपड़े थे वो मैंने फोल्ड करके रखे, और क्योंकि अगर आप इसको फोल्ड करके ना रखो ना, तो बहुत सारे कपड़े जो हम डेली वॉश करते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है मुझे। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि तुरंत के तुरंत फोल्ड करके उसकी जगह में रख दो। और यहाँ पर वेदर चेंज हो रहा है जैसे कि मैंने कहा, तो कोल्ड कफ ईजिली यहाँ पर हो जाता है, तो इस टाइम में मैं ह्यूमिडिफायर यूज़ करती हूँ। इसमें थोड़ा सा आप कोई भी अपने पसंद का एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो फॉर द बेटर स्लीप। तो ये मैंने किया, और सोने के पहले मैंने थोड़ा सा जो अपना सिंपल सा स्किन केयर है वो किया और ड्राई फ्रूट्स को किए। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, देन डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर माई नेक्स्ट वन।